हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीवीसी आधार कार्ड अर्थात प्लास्टिक वाले आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने एड्रेस में कैसे मंगवा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे UIDAI। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर्च कर देंगे। इसके बाद ये जो एक ऑप्शन दे रखा हुआ है गेट आधार, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हमें नीचे की ओर आना है और ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है उन्हें पीवीसी आधार कार्ड अगर ऑर्डर करना है तो उन्हें लॉगिन में क्लिक करना होगा। अगर जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको लॉगिन में क्लिक करना है। अगर नहीं लिंक है तो जो अभी बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। बाकी दोनों का जो करने का प्रोसेस है वो सेम ही है। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इसमें हमें क्लिक करना है। आप आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट आईडी जिससे चाहे आप उससे पीवीसी आधार कार्ड बुक कर सकते हैं उसी को सिलेक्ट करना है। आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे जो बॉक्स में रखा हुआ। इसके बाद माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड में क्लिक करना है। इसके बाद आपको कोई सा भी मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको ओटीपी डालना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ओके में क्लिक करना है। हमें प्राइवेसी रीजन का दे रखा हुआ है। अब आपको बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे। आधार पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए ₹50 की आपको फीस देनी होती है। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट कर देगा। आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन देख सकते हैं। आप अपना जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट, नेट बैंकिंग, UPI, व्हाट्सएप बैंकिंग, पेटीएम, जिससे चाहे उससे आप कर सकते हैं। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं UPI से करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने UPI को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप UPI, गूगल पे, फोन पे, जिससे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको UPI ID का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी UPI ID डालनी होगी। UPI ID क्या होती है मैंने स्क्रीन में एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा हुआ है। UPI ID डालने के बाद वेरीफाई में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो UPI ID होगी वो वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसकी UPI ID डाली है। आप वहां पे देखेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आया होगा ₹50 पे करने का। आपको पे ₹50 में क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना UPI पिन अर्थात सिक्योरिटी पिन 4 या 6 अंकों का, जितने का भी आपके उसमें हो, आपको डालना है। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद आप यहां पे ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं। सक्सेस हो चुका है हमारा ट्रांजेक्शन, हमने कर दिया ₹50 का। इसके बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करना है। जो हमने आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया है ये उसकी रिसिप्ट है, पेमेंट की रिसिप्ट है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको सुरक्षित रूप से रखना है। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिख रखा हुआ है, रिसिप्ट की डेट। इसके बाद आपका SRN नंबर आप नोट डाउन कर लेना। ये आपका स्टेटस को ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद आधार नंबर, ट्रांजेक्शन का स्टेटस दे रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप रूरल एरिया अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आधार पीवीसी कार्ड आने में आपके एड्रेस में 1 महीने का समय लगेगा। अगर आप अर्बन अर्थात शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके एड्रेस में आने में आधार पीवीसी कार्ड को 10 से 15 दिन को समय लगता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।